आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जहां बीजेपी पूरे देश भर में सेवा पखवाड़ा मना रही है, तो वहीं कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आर्थिक राजधानी मुंबई के अंधेरी इलाके में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष सुफियान हैदर के मार्गदर्शन में बीजेपी के सेवा पखवाड़ा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिर मुंडवाकर केंद्र के बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ आंदोलन किया। और इस अवसर पर कांग्रेस के विधायक जीशान सिद्दकी भी इनके समर्थन में मौजूद रहे। देखिए ये पूरी खबर। 17 सितंबर है आज हमारे देश के जो आज तक के सबसे झूठे प्रधानमंत्री रहे हैं उनके आज जन्मदिन है, तो उसे हम राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मना रहे हैं। हम मोर्चा कर थक गए हैं। हम लगातार मोर्चा कर रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ, लेकिन जैसे शहीद भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, तो इस सरकार को धमाके की ज़रूरत है। हम इस सरकार के खिलाफ हमारे बाल मुंडन कर हम युवा इस सड़क पर बालों का मुंडन कर हम मोर्चा कर रहे हैं। हम सरकार को बता रहे हैं कि हम कितना परेशान हैं। दो करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, बेरोजगारी नहीं रही है, पूरे देश के युवा परेशान हैं। तो हमने हमारे मुंबई अध्यक्ष जीशान सिद्दकी जी के नेतृत्व में सारी मुंबई में मोर्चा किया, उत्तर पश्चिम जिला में मोर्चा किया, तो हम इसी तरह मोर्चा करते रहेंगे। भ्रष्ट सरकार से लड़ रहे हैं, 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 भ्रष्ट सरकार से लड़ रहे हैं। वारे मोदी तेरा खेल, वारे मोदी तेरा खेल, वारे मोदी तेरा खेल, वारे मोदी तेरा खेल, वारे मोदी तेरा खेल। राहुल गांधी यूथ कांग्रेस, राहुल गांधी रोजगार दो, रोजगार दो, जो सरकार निकलती है, जो सरकार निकलती है, जो सरकार निकलती है, वो सरकार बनती है। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकलती है, वो सरकार बदलनी है। युवा के सम्मान में, युवा के सम्मान में, युवा के सम्मान में, युवा के सम्मान में, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आज देश में जो बेरोजगारी हुई है, जीओ मित्रों ने 6 करोड़ 15 लाख 2 करोड़ 1 लाख देने का वादा किया था मित्रों ने, न 2 करोड़ हाथ में आए, न 15 लाख हाथ में आई, तो बेरोजगार